कैन यू गेस आज मैं किस क्यूजीन का डाइट प्लान फॉलो करने वाली हूँ? लास्ट ब्लॉग में साउथ इंडियन मील प्लान्स को लेके बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत ज़्यादा वोट्स थे, इसलिए आज मैं पूरा दिन साउथ इंडियन मील प्लान को फॉलो करने वाली हूँ, जो कि अनडाउटेडली बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारी ऐसी डिशेज हैं जो कि काफ़ी हेल्दी हैं, गट के लिए काफ़ी अच्छी हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्प करती हैं, और मैं खुद इस मील प्लान को फॉलो करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इसमें से कुछ डिशेज तो ऐसी हैं जो मैं खुद पहली बार ट्राई करने वाली हूँ, तो साथ साथ इन डिशेज को बनाएंगे भी, ट्राई भी करेंगे और इनके बेनिफिट्स भी डिस्कस करेंगे। और पिछले ब्लॉग में एक और फीडबैक था कि मैं इन ब्लॉग्स को शूट करते वक्त ऑफिस जाने वाले लोगों का भी खास ख्याल रखूँ, तो आज का लंच और इवनिंग स्नैक ऐसा है जिसको आप बहुत ही ईजिली पैक करके अपने साथ कैरी भी कर सकते हो। तो मैं अपने दिन की शुरुआत एक फ्रेश कोकोनट वाटर से कर रही हूँ। एंड डू आई रियली नीड टू टेल यू हाउ मैजिकल दिस ड्रिंक इज? इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स होते हैं, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और पोस्ट वर्कआउट रिकवरी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आपकी स्किन के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है, बहुत लो कैलोरीज होती हैं, वेट मैनेजमेंट में भी बहुत अच्छा है। एंड ऑलवेज प्रेफर कि मैं फ्रेश कोकोनट वाटर लूँ इंस्टेड ऑफ दोज पैकेज्ड वंस, और मैं आपको भी यही सजेस्ट करूंगी कि आप भी वो पैकेज्ड कोकोनट वाटर जो आजकल मार्केट में आते हैं उनको अवॉइड करके फ्रेश कोकोनट वाटर ही कंज्यूम कीजिए। वैसे आप इसे दिन में किसी भी टाइम ले सकते हो, बट आई प्रेफर टेकिंग इट इन द मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक। इससे मेरा ये रूटीन भी बन गया है, कभी मिस भी नहीं होता। तो इसके बाद मैं अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। सो आई नाउ सी यू आफ्टर माई वर्कआउट। सो वर्कआउट के बाद आई एम हैविंग दिस बनाना। एक्चुअली आज के व्लॉग के लिए मैंने पुवन परम ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, बट वो मुझे मार्केट में मिला नहीं। और वो जो पुवन परम होता है उसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी होते हैं, पोटेशियम में हाई होता है, विटामिन ए और B6 में रिच होता है, जिससे कि स्लीप और मूड दोनों बूस्ट होते हैं। बाय द वे पुवन परम इट्स नथिंग बट दो स्मॉल बनाना जो साउथ इंडिया में मिलते हैं, यहाँ पे मुझे नहीं मिले। सो अगर आपके एरिया में वो अवेलेबल हैं तो आप उसे ज़रूर खाइए, नहीं तो आपके वहाँ पे जो भी लोकल रीजनल सीजनल फ्रूट है आप उसे इन्जॉय कर सकते हैं। बाय द वे ये पुवन परम और आज की काफ़ी सारे डिशेज और उनकी प्रोनंसिएशन के लिए मेरे टीम मेंबर सुबी ने मेरी काफ़ी हेल्प की है, सो थैंक यू सुबी। हेलो एंड वेलकम बैक। तो मैं अपना ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ और आज हम ब्रेकफास्ट में एक बहुत ही मज़ेदार डिश बना रहे हैं जिसका नाम है मुट्टा दोसा। मुट्टा मीन्स एग एंड दोसा मीन्स दोसा, जिसे हम नॉर्थ में जनरली डोसा कहते हैं। इसका एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है जिसे कहते हैं एगोसा। तो चलिए बनाते हैं मुट्टा दोसा माने एगोसा। साउथ इंडियन फूड की सबसे खास बात ये होती है कि उसमें मोस्टली चीज़ें फर्मेंटेड होती हैं, जिसके लिए दाल चावल को ओवरनाइट सोक किया जाता है। तो इस दोसा को बनाने के लिए भी मैंने रात को 2 कटोरी मूंग दाल, उसमें 2 टेबलस्पून चना दाल और 1/2 टीस्पून फेन्युग्रीक सीड यानी कि मेथी सीड्स को सोक करके रखा था। तो ये सभी चीज़ें अच्छे से सोक हो चुकी हैं, इसे मैं एक ब्लेंडर जार में डाल के अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। हमें इसका एक कोर्स पेस्ट तैयार करना है जिसमें आपको एडिशनली कोई पानी डालने की जरूरत नहीं है। तो हमारी दाल अच्छे से ग्राइंड हो गई है, अब हम इसे एक बोल में निकाल लेते हैं। और इसी के साथ मैंने रात को ही 2 कटोरी राइस भी सोक करके रखा था जिसको अब हम ग्राइंड करेंगे। हमें इसका भी एक कोर्स पेस्ट ही रेडी करना है, तो ऊपर से पानी डालने की जरूरत नहीं है, बट अगर आपको लगे तो आप 2 चम्मच पानी ऐड कर सकते हो। तो हमारा राइस का पेस्ट भी रेडी है, अब हम इसे दाल के पेस्ट के साथ मिला देंगे। हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले हम एक पैन को पूरी तरह हीट करेंगे। मैं यहाँ पे कास्ट आयरन का दोसा पैन यूज कर रही हूँ। पूरी तरह गर्म होने के बाद हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे। एंड नाउ हियर इज अ ट्रिक, डोसा बनाने से पहले हम एक अनियन को बीच में से काट के इस पैन के ऊपर अच्छे से रब करेंगे, इससे बैटर तवे पे चिपकेगा नहीं। इसके बाद लेट्स ऐड सम घी। मैं डोसा घी में बना रही हूँ, आप इसकी जहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। और अब 1 स्कूप बैटर को हम तवे के सेंटर में डालेंगे और उसको अच्छे से स्प्रेड आउट करेंगे। यू हैव टू मेक अ वेरी थिन लेयर ऑफ दिस बैटर। इसके बाद आप एक लार्ज साइज एग लोगे जिसे बैटर के ऊपर ही क्रैक करोगे। अब इसे स्पून की हेल्प से हम थोड़ा सा स्प्रेड कर देते हैं। एंड नाउ वी कैन ऐड सम टॉपिंग्स टू इट। चॉप्ड अनियन, चॉप्ड टमेटो, सम चॉप्ड ग्रीन चिलीज, कोरिएंडर लीव्स, और
और अब थोड़ा सा सॉल्ट स्प्रिंकल करेंगे, और अब मैं थोड़ा सा सांबर मसाला भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, विच इज कम्प्लीटली ऑप्शनल। इसकी जगह पे आप नॉर्मल ब्लैक पेपर में भी बना सकते हो। इतनी देर में डोसा एक साइड से पक चुका है, तो अब आप इसे बहुत ही जेंटली रैप कर सकते हो। नाउ टेक इट आउट इन अ प्लेट एंड सर्व विद योर फेवरेट चटनीज। मैं लाल मिर्च की चटनी और साथ में पुदीने की चटनी के साथ इसे सर्व कर रही हूँ। ये दोनों ही होममेड है, और साथ में थोड़ा सा गन पाउडर भी ले रही हूँ। गन पाउडर एक साउथ इंडियन स्पाइस है जिसे मिला गई पोड़ी भी कहते हैं। ये दाल, मस्टर्ड सीड्स और कुछ स्पाइसेस को मिला के बनाई जाती है। इसे हम इडली डोसा के अलावा वड़ा पाव के साथ भी खा सकते हैं। बट एनीवे, लुक हाउ टेम्पटिंग दिस मुट्टा डोसा लुक्स राइट नाउ। सो हियर्स आवर मुट्टा डोसा और एगोसा। मैं आज इसे खुद पहली बार ट्राई कर रही हूँ, अदरवाइज मैं डोसा या इडली और उत्तपम इस तरह की चीज़ें लेती रहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग प्रोबायोटिक है, फर्मेंटेड फूड है, इसलिए ये डाइजेशन के लिए बहुत ही अमेजिंग है, गट हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो जिन लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं वो इसको अपनी डाइट में ज़रूर ज़रूर ऐड करें। जिनको बर्पिंग की प्रॉब्लम रहती है तो इनके लिए बहुत ही अच्छा है, और वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है, क्योंकि डाइजेशन को, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, इसलिए हम इसको अपने वेट लॉस डाइट प्लान्स में भी देते हैं। एंड इसके अंदर एग ऐड करने से हमने इसको प्रोटीन रिच भी बना दिया। सो जैसे कहते हैं कि ब्रेकफास्ट में गुड प्रोटीन होना चाहिए जो आपको सेशिएटेड रखता है, मतलब कि आपको फीलिंग, एक फुलनेस की फीलिंग देता है, जिससे ज़्यादा देर तक आपको भूख नहीं लगती, तो वो भी सेटिस्फाई हो गया। फर्मेंटेड फूड प्रोबायोटिक भी हो गया, और साथ में ये चटनियों को, घर की बनी हुई चटनियों को ऐड करने से फ्लेवरफुल भी हो गया। सो इट्स अ परफेक्ट परफेक्ट ब्रेकफास्ट विच यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली गिव अ ट्राई। नाउ आई विल सी यू एट लंच। चलो आप लोग गेस करो और बताओ कि मैं लंच में क्या बना रही हूँ। इसे बनाने के लिए मैं पहले कुछ राइस को बॉईल कर रही हूँ, मतलब नॉर्मल स्टीम्ड राइस बना रही हूँ। सो एक कटोरी राइस को पानी में डाल के इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है, मिक्स करके मीडियम फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए रख देना है। अराउंड 10 मिनट में ये राइस रेडी हो जाएंगे। अब हमें इसे स्लाइटली मैश करना है, पूरा पेस्ट नहीं बनाना, बट जस्ट जेंटली थोड़ा सा मैश करना है, और उसके बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। अब हम राइस को ठंडा होने के लिए रख देंगे, और इतनी देर हम गैस पे एक तड़के के लिए छोटा सा पैन लेंगे। मैं इस रेसिपी में कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप घी भी यूज़ कर सकते हो। और अब इसके अंदर थोड़े से मस्टर्ड सीड्स एंड जीरा डालेंगे, दोनों के स्प्लटर होने का वेट करेंगे, एंड देन हम इसके अंदर कैश्यूज ऐड करेंगे। इसके बाद थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी अरहर की दाल, और फिर एक साबुत लाल मिर्च को बीच में से तोड़ के इसमें ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को एक मिनट के लिए कुक करेंगे, और जैसे ही मिर्चिया कलर चेंज होने लगेगा हम इसके अंदर चॉप्ड ग्रीन चिलीज भी ऐड कर सकते हैं, करी लीव्स ऐड करेंगे, और ग्रेटेड जिंजर डालेंगे। अब हमने इन सब चीज़ों को थोड़ा सा पकाना है, और जैसे ही कैश्यूज गोल्डन ब्राउन कलर के होंगे हम इसके अंदर थोड़ी सी हींग भी ऐड करेंगे। इसी के साथ हमारी टेम्परिंग रेडी हो चुकी है। अब हम चलते हैं वापस राइस पे। राइस में हमने कर्ड ऐड करना है। आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू गेस्ड इट राइट दैट वी आर मेकिंग कर्ड राइस। तो मैं इसमें 5 से 6 बड़े चम्मच कर्ड ऐड कर रही हूँ, और अब ग्रेटेड कैरेट एंड ग्रेटेड क्यूकम्बर। इन सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, और फिर टेम्परिंग को ऐड करना है। उसके बाद वापस से सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है। ओके, सो अब कर्ड राइस सर्व करने के लिए रेडी है। आप इसे एक प्लेट या फिर एक बोल में निकाल सकते हो, और बचे हुए तड़के के साथ इसको गार्निश कर सकते हो। गार्निशिंग के लिए ग्रेटेड कैरेट भी यूज कर सकते हो। एंड विद दिस आवर टुडेज लंच, कर्ड राइस इज रेडी। ओके गाइस, सो हियर्स माय लंच, 1 बोल ऑफ डिलीशियस कर्ड राइस और साथ में सैलेड। अब ये मील हमारे लिए तो बड़ा मज़ेदार है ही है, बट ये साउथ इंडियंस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि वहाँ पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट रहता है विच इज़ यूजुअली वार्म और हॉट। तो इस तरह का खाना जिसमें कर्ड यूज़ हो रहा है, कर्ड जो एक नेचुरल कूलेंट होता है, ये उनकी बॉडीज़ का टेम्परेचर मेंटेन करता है, ठंडा रखता है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी भी है। इसीलिए ट्रेडिशनली ही वहाँ पे कर्ड राइस चलता आ रहा है, और ये कर्ड राइस इन्फेंट्स के लिए भी एक अच्छी ऑप्शन है। तो जो इसके ऊपर हमने एक तड़का ऐड किया है, अगर हम वो नहीं करें, दिस इज मोस्टली ब्लैंड, तो ये इन्फेंट्स भी इजीली खा सकते हैं। और जैसा आपने अभी देखा, इसे बनाना कितना सिंपल है, इसे कोई भी इजीली बना सकता है। और एक और बड़ी मज़ेदार चीज़ कि आप इसमें राइस को रिप्लेस कर सकते हो ओट्स से, मिलेट से, या फिर किसी भी और तरह के ग्रेन से, किनवा से रिप्लेस कर सकते हो। उससे इसके जो हेल्थ बेनिफिट्स हैं या न्यूट्रिशन वैल्यू है वो डिफरेंट हो जाएगी। तो कभी आप कर्ड राइस खाओ, कभी कर्ड किनवा खाओ, कभी कर्ड ओट्स खाओ, रेसिपी सबकी सेम रहेगी।
और ठीक है, अभी मैं ये लंच फिनिश करती हूँ और अब मैं आपसे मिलूंगी इवनिंग स्नैक्स पे। तो मैंने कोकोनट ऑयल में कुछ फॉक्स नट्स डाले हैं और इनको रोस्ट करना है। आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको कुछ देर के लिए रोस्ट करोगे। इस टाइम पे आपको बहुत पेशेंट रहना है क्योंकि अगर आपने जल्दी इसको निकाल लिया तो फॉक्स नट्स क्रंची नहीं होंगे। सो यू हैव टू वेट अंटिल द फॉक्स नट टर्न्स क्रंची। आप इसको टेस्ट करने के लिए एक मखाने को पहले बाहर निकाल के उसे क्रैक करके देखिए। अगर वो पूरी तरह क्रिस्प हो चुका है, दिस मीन्स योर फॉक्स नट्स आर रेडी। अब आप इसे एक बोल में निकाल सकते हैं और अब सेम कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा ऑयल लेंगे और अब हम इसमें कुछ नट्स को रोस्ट करेंगे। पहले कैश्यूज, इसके बाद इसमें कुछ आमंड्स ऐड कीजिए, फिर पीनट्स, और इन सभी नट्स को लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। जैसे ये हल्का सा गोल्डन ब्राउन होगा, इसके अंदर हम करी लीव्स ऐड कर देंगे। कुछ सेकंड्स में ही करी लीव्स थोड़ी सी क्रिस्पी होने लगेंगी। इसके बाद हम गैस को ऑफ कर देंगे और इन सभी नट्स को फॉक्स नट्स वाले बोल में ऐड कर देंगे। इसके बाद हम ऊपर से थोड़े से रेजिन्स डालेंगे। नाउ ऐड सम सॉल्ट, ब्लैक पेपर और थोड़ा सा चाट मसाला। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करना है ताकि मसाला सभी नट्स के ऊपर अच्छे से कोट हो जाए। इसके बाद आप इसे एक एयरटाइट जार के अंदर रख सकते हैं। आप इसे एक ही बार बल्क में बना के भी स्टोर करके रख सकते हैं और इसको अपनी मॉर्निंग या फिर इवनिंग टी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इट्स वेरी हेल्दी, वेरी न्यूट्रिशियस, क्रंची, डिलीशियस एंड फिलिंग एज वेल। सो आई होप आपको ये हेल्दी मिक्सचर ट्रेल मिक्स की रेसिपी इंटरेस्टिंग लगी होगी। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करो और मेरी तरह इसे डब्बे में भर के रख लो। एंड यू कैन ईजिली कैरी इट एनी वेयर। अगर आप ऑफिस जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, जहाँ भी जाते हो, इसको छोटे से बॉक्स में साथ में कैरी कर सकते हो। आई वुड सजेस्ट आप अपने ऑफिस के ड्रॉअर में इसको रख सकते हो ताकि जब भी मंचिंग का मन करे निकाला और खा लिया। इनकेस अगर आपको कोई और साउथ इंडियन हेल्दी स्नैक रेसिपीज़ के बारे में पता है तो प्लीज़ कॉमेंट में ज़रूर बताओ। ऑलराइट, सो नाउ आई विल सी यू एट द डिनर। तो गाइज, मैं बना रही हूँ रसम, जिसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा कोकोनट ऑयल लिया, फिर मस्टर्ड सीड्स डाले, करी लीव्स डाली और दो साबुत लाल मिर्च को बीच में से तोड़ के डाला। अब हम इन सब चीज़ों को हल्का सा पका रहे हैं और इसमें थोड़ी सी हींग भी डालेंगे। जैसे ही मिर्ची का कलर चेंज होने लगेगा, हम इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे और जब तक ये टमाटर थोड़े सॉफ्ट नहीं हो जाते हम इसको कुक करेंगे। साथ साथ आप स्टर करते रहिए और जैसे टमाटर थोड़ा सॉफ्ट होने लगेगा हम इसके अंदर रोस्टेड जीरा पाउडर डालेंगे, काली मिर्च डालेंगे, ग्रेट किया हुआ गार्लिक डालेंगे, थोड़ी सी हल्दी भी ऐड करेंगे और फिर से इन सब मसालों को एक साथ पकाएंगे। अब हल्का हल्का इन टमाटर को थोड़ा सा मैश कर सकते हो और अब हम इसके अंदर इमली का पानी डालेंगे। इसको रेडी करने के लिए मैंने हाफ एन आवर पहले सीडलेस इमली को एक कटोरी में लिया, उसके अंदर थोड़ा सा गर्म पानी डाला और फिर इसको मैंने ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख दिया। 15 मिनट के बाद हमने इस इमली के पानी को छान लिया और अब ये इमली का पानी हम इस कढ़ाई में भी ऐड कर देंगे। रसम बहुत ही लिक्विड होता है इसलिए हमने इसको पतला ही रखना है। इसके बाद आपने जितना भी पानी ऐड करा है उसके हिसाब से इसके अंदर सॉल्ट डाल लोगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसको रख देंगे, बॉयल आने का वेट करेंगे। जैसे ही बॉयल आएगा हम इसके अंदर कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालेंगे और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसी के साथ हमारी डिलीशियस रसम बनके तैयार है। अब साथ में मैं एक और चीज़ बना रही हूँ जिसको बनाने के लिए मैं प्रोसेस चीज़ यानी कि पनीर ले रही हूँ। सो ग्रेट किया हुआ पनीर, उसके अंदर चॉप किया हुआ अनियन, देन चॉप्ड टमेटो ऐड करेंगे, इसके बाद चॉप की हुई ग्रीन चिलीज, धनिया, इसके बाद करी लीव्स। आपने नोटिस किया आज हमने ऑलमोस्ट सभी रेसिपीज में करी लीव्स का यूज करा है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक इट्स अ गुड एंटीऑक्सीडेंट। एंड नाउ आई जस्ट एडेड सम सॉल्ट एंड रेड चिली पाउडर इनटू दिस और ये साथ में थोड़ा सा सांबर मसाला ताकि ऑथेंटिक साउथ इंडियन टच आ सके। और इस सांबर मसाला को भी आप पहले से बना के स्टोर करके रख सकते हो। तो ये टॉपिंग्स हमारी रेडी हो गई हैं। अब हम पैन को गर्म कर लेते हैं और एक हॉट पैन के ऊपर हम एकदम से पानी डालेंगे जिससे वो सिजल करेगा, बबल्स बनेंगे और हमें बड़ा मजा आएगा। वही हाफ अनियन लेके उसको रब कर दीजिए। जो हमने सुबह बैटर रेडी किया था उसी बैटर को यूज करेंगे हम ये पनीर वेजिटेबल उत्तपम बनाने के लिए। बैटर को इस बार हमने बहुत ज्यादा फैलाना नहीं है क्योंकि हम डोसा नहीं बना रहे। उत्तपम का बेस थोड़ा सा थिक ही रहता है। अब ये टॉपिंग्स इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। थोड़ा सा घी हम इसके ऊपर फिर से ऐड करेंगे और अब हम इसे दोनों साइड से पकाएंगे।
सो उत्तपम के लिए मैं घी यूज़ कर रही हूँ. घी के भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं और स्पेशली जो साउथ इंडियन खानों में कोकोनट ऑयल यूज़ होता है उसके भी काफ़ी फायदे हैं. वो एंटी फंगल होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ होती हैं. मतलब कोकोनट ऑयल खाने से हमारी बॉडी वायरसेस और पैथोजन से बहुत ही ईजिली फाइट कर पाती है. तो अब ये उत्तपम भी दोनों साइड से रेडी हो चुका है. सो नाउ आवर उत्तपम एंड रसम आर रेडी टू ईट. यू नो एक्चुअली रसम साउथ इंडियन सूप है एंड इट इज सो कम्फर्टिंग. और आपको पता है कि रसम का मतलब क्या होता है? नहीं, ये रीति रिवाज और रसम वाला रसम नहीं है. रसम का मतलब होता है जूस एक्सट्रैक्ट. और आपको इसका एक बड़ा मज़ेदार फैक्ट बताती हूँ. जो हमारे 6 अलग अलग तरह के टेस्ट्स होते हैं ना रसम में, उसमें से 5 टेस्ट्स अवेलेबल हैं. इट इज़ हॉट, स्वीट, सावर, सॉल्टी एंड बिटर. दिस इज़ वाई इट इज़ सो डिलीशियस, सो यमी. और इसको आप सूप की तरह भी ले सकते हो या फिर इसको राइस के साथ ले सकते हो. राइस एंड रसम भी एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है. या फिर किसी भी तरह ले सकते हो, जैसे आज हम इसको ले रहे हैं पनीर उत्तपम के साथ. तो उत्तपम में भी हमने पनीर ऐड करने से इसको प्रोटीन रिच भी बना दिया. नो डाउट डिलीशियस और हेल्दी तो है ही है. साथ में चटनियों से फ्लेवर्स भी ऐड हो गए. सो दिस इज़ माई डिनर, इट्स अ परफेक्ट मील एंड आई एम नाउ गोइंग टू एन्जॉय इट. और अब मैं आपको मिलती हूँ अपनी बेड टाइम टी पे, जिसमें मिलूंगी आई एम वाउ की नाइट टाइम रिलैक्सिंग 5 टेस्ट. मैं सोने से पहले हर रोज एक कप इस रिलैक्सिंग टी का लेती हूँ, जिसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिक हर्ब्स एंड फ्लावर्स हैं जो अच्छी नींद में बहुत हेल्प करते हैं. इसके अंदर कैमोमाइल है, लैवेंडर है, लेमन ग्रास है, रोज़ है, रुईबोस है, और सब 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल है, जिसका एक एक दाना आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हो. इसे बनाना बहुत सिंपल है. बस हमें 2 मिनट के लिए इसे गर्म पानी में ब्रू करके रखना है और इसी के साथ हमारी नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी रेडी है. गाइज, अगर आपने भी आई एम वाओ नाइट टाइम रिलैक्सिंग टी ट्राई करनी हो तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है. इसके अंदर सभी नेचुरल हर्ब्स और फ्लावर्स हैं जिसको पी के रात को रिलैक्सिंग और सूदिंग स्लीप आती है और नेक्स्ट डे काफ़ी प्रोडक्टिव और एनर्जेटिक जाता है. सो आई एम श्योर आज का व्लॉग तो आपको पसंद आया ही होगा. अगर आया है तो वीडियो को लाइक करो. अगली बार आपने किस क्यूज़ीन पे व्लॉग देखना है वो कमेंट करके ज़रूर बताओ. जो सबसे ज़्यादा कॉमेंट्स होंगे सबसे पहले वही व्लॉग बनाया जाएगा. और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करो यार, और बेल आइकन दबाओ ताकि नोटिफिकेशन भी मिल जाए. मिलते हैं अगली वीडियो में. टिल देन फिट रहो, हिट रहो.